सो हेलो गाइज, मैं हूँ साहिल, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, रिसेंटली रियलमी एक्स नाइन और एक्स नाइन प्रो दोनों अपनी लॉन्च से पहले काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, और गाइज कुछ टाइम पहले रियलमी एक्स नाइन प्रो के कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक आउट हुए थे, और वहाँ पर बताया गया था कि फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज वो सब जो स्पेसिफिकेशंस थे वो ज़्यादातर गलत साबित हुए। लेकिन अब जो है स्ट्रॉन्ग टिप्सटर की तरफ से नए स्पेसिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है। और गाइस tina.com एक वेबसाइट है जहां पे एक फ़ोन को जो है लिस्ट किया गया, जिसका मॉडल नंबर है RMX3366। और गाइस इस स्मार्टफोन को जो है बताया जा रहा था रियलमी एक्स नाइन, लेकिन गाइस वो भी गलत था। ये जो स्मार्टफोन है रियलमी एक्स नाइन प्रो होने वाला है, और इसके पूरे स्पेसिफिकेशन जो है बाहर निकल के आ चुके हैं, जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही गाइस रियलमी एक्स नाइन जो है अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छे से लीक आउट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइज रियलमी एक्स नाइन प्रो जो है लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस से पूरा मैच करता है। और जब आप खुद से स्पेसिफिकेशन देखोगे और दोनों को कंपेयर करोगे, तो आप खुद कहोगे कि ये रेनो 5 प्रो की रीब्रांडिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं रियलमी एक्स नाइन प्रो के लुक्स और डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हैं फ़ोन जो है बिल्कुल ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस से मैच करता है, और फ्रंट साइड में जो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। फ़ोन का जो वेट है वो 185 ग्राम्स होने वाला है। इसके अलावा फ़ोन 4 अलग कलर्स में मिलने वाला है, और मेटल की जो फ्रेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फ़ोन जो है ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट के साथ आने वाला है, यहाँ पे आपको कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो फ़ोन में 6.55 की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और स्क्रीन जो आपको कर्व डिज़ाइन के साथ देखने को मिलने वाली है, जो कि फ़ोन की लुक्स को और एनहांस करेगी। साथ ही फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और बात करें प्रोसेसर की, तो फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870G का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहीं पे आपको जो ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है और यहाँ पे 870 का होने वाला है। लेकिन गाइस अभी ये भी एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि आपको 865 ही देखने को मिले। तो रेनो 5 प्रो प्लस का डिफरेंस है रियलमी एक्स नाइन प्रो से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप इसे टोटली रीब्रांडिंग या फिर कॉपी कह पाओगे ओप्पो रेनो। नेक्स्ट बैटरी सेक्शन की तरफ चले, तो यहाँ पे फोन में 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और साथ में 65W का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट। सो गाइज बैटरी का जो साइज़ है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ओब्वियसली जो फ़ोन की थिकनेस है वो आपको कम देखने को मिलेगी, और उसी को मेंटेन रखने के लिए साइज़ कम रखा गया है। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है वो आपको 65W का मिलता है, जिससे आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। साथ ही फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। और बात करें फ़ोन के कैमरा सेक्शन की, तो फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, और बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, जहां पे मेन कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का IMX766 लेंस के साथ। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा। और इस फोन में आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलने वाले हैं, पहला 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस हो सकता है अराउंड 30,000 रुपीज़, और दूसरा 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस हो सकता है अराउंड 35,000 रुपीज़। और गाइज LPDDR4X RAM का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज मिलने वाली है। बात करें फोन के सॉफ्टवेयर की, तो फोन जो है Realme UI 2.0 पे बेस्ड होने वाला है, जो कि Android 11 पे ऑपरेट करेगा। हालांकि आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें इंस्टॉल कर पाओगे। तो स्पेसिफिकेशन हो गई Realme X9 Pro की, लेकिन अब बात करते हैं Realme X9 की। तो यहाँ पे जो लगभग स्पेसिफिकेशन है वो आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन जो उसका प्रोसेसर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 778G होने वाला है। उसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट टू हायर वेरिएंट 22,000 से लेके 28,000 के आसपास होने वाला है। सो गाइस अब यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है उसको देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो प्रोसेसर में यहाँ पे डिफरेंस हो गया, दूसरा जो डिस्प्ले है वो आपको शायद से कर्व डिस्प्ले देखने को ना मिले रियलमी X9 में। उसके अलावा रैम एंड स्टोरेज तो आपको कम देखने को मिलेंगे ही, तो मेनली ये तीन डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं रियलमी X9 और X9 प्रो में। लेकिन गाइज अभी रियलमी ने जो है X9 और X9 प्रो की कोई भी लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो जैसे जैसे पास आती जाएंगी और ये जो स्मार्टफोन है बेंचमार्क की वेबसाइट पे लिस्ट होने लगेंगे, तो इनकी जो और कंफर्म स्पेसिफिकेशन है वो बाहर निकल के आती रहेंगी। लेकिन गाइज अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दोनों जो स्मार्टफोन है सबसे फर्स्ट में चाइना में लॉन्च होंगे, और करीब जुलाई के मंथ में ये दोनों वहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं, और उसके बाद सितंबर तक जो है इंडिया लॉन्च इनका आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये थे रियलमी X9 और X9 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशंस, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। और गाइज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।